गाइस ये है मेरा सबसे फेवरेट क्लास डी का एम्पलीफायर बोर्ड जो कि 100 वॉट के दो स्पीकर चलाता है। सो गाइस ये है हमारे 10 इंचेस के स्पीकर 100 वॉट्स में। ऐसे छोटा सा एम्पलीफायर बोर्ड आपके पूरे घर को नचा सकता है। तो आइए इसकी टेस्टिंग करते हैं, इसका रिव्यू देखते हैं, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं प्रॉपर तरीके से। सो लेट्स गो। और गाइस इसका जो प्राइस है, तो गाइस फाइनली मैं लेके आ चुका हूँ मेरा सबसे फेवरेट, सबसे ज्यादा कॉम्पैक्ट और सबसे ज्यादा धमाकेदार एम्पलीफायर बोर्ड लेके, जो कि एक क्लास डी आईसी के अंदर बेस्ड है। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा वो बोर्ड है, अगर मैं इसको एक नाम दूंगा तो उसे मैं बोलूंगा छोटा पैक बड़ा धमाका। अच्छा, इस तरीके का बोर्ड इस बॉक्स के अंदर है। तो अभी प्रॉपर अनबॉक्सिंग करेंगे, रिव्यू करेंगे, टेस्टिंग करेंगे। तो उसका मॉडल नंबर आप देख सकते हो बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है 1002M, जो कि है 100 प्लस 100 वॉट का एक स्टीरियो एम्पलीफायर बोर्ड है इस बॉक्स के अंदर, और बहुत ही ऑसम ऑडियो क्वालिटी है इस बोर्ड की। तो आइए ओपन करते हैं इसको, प्रॉपर रिव्यू करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। ओके, सो सबसे पहले इसे ओपन करते हैं अपने बॉक्स। ओके, तो गाइस ये कुछ इसकी एक्सेसरीज हैं, आप देख सकते हो इसमें एक स्क्रू ड्राइवर है, इसमें एक नॉब मिल जाती है आपको, और एक सॉकेट मिल जाता है जो कि पावर प्लग इन के लिए है, और कुछ स्क्रू वगैरह भी मिलेंगे, मैं दिखाता हूँ आपको। और इसके अंदर हमारी मेन यूनिट मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, जो कि हमारा मेन एम्पलीफायर बोर्ड है। ओके, उससे पहले मैं इसका इनक्लोजर वगैरह दिखाना चाहूंगा आपको। सो गाइस ये है इसका मेन इनक्लोजर, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ इसको। ओके, ये इनके इनक्लोजर है। तो गाइस ये है कुछ इनक्लोजर के पार्ट्स, यहाँ पे कुछ पिलर वगैरह है, स्क्रू वगैरह है, और ये है इसका फ्रंट पैनल और ये है लोअर पैनल। ठीक है, अपर पैनल लोअर पैनल, और आप देख सकते हो दो डिफरेंट मटेरियल में यहाँ पे पैनल्स हैं। जो हमारा फर्स्ट वाला है ये एक्रेलिक सीट का है। ओके, ये प्लास्टिक है प्योर, ये देख सकते हो, और एक है पीसीबी। ओके, जो ये प्योर जो ब्लैक है ये पीसीबी है, ये मेटल लगेगा पर ये पीसीबी है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, आप खुद देख सकते हो। यहाँ पे सब कुछ रिटर्न भी है कैसा क्या है इस बोर्ड में। डीसी के लिए ऑक्स आउटपुट, राइट लेफ्ट स्पीकर्स के, यूएसबी इन, ऑक्स इन वगैरह सब कुछ है। ठीक है, और गाइस ये है हमारा अनदर पैकेट, जिसके अंदर इसके अनदर पार्ट्स हैं, ये दिखाऊंगा आपको। एक स्क्रू ड्राइवर मिल जाएगा आपको फिटिंग के लिए, ये सॉकेट मिल जाएगा जो कि पावर सप्लाई के लिए है, और ये है इसकी नॉब। नॉब को खोलते हैं, बहुत ही अच्छी पैकिंग लगी मुझे इस नॉब की। तो ये है इसकी नॉब, क्यूट सी, ये देख सकते हो, क्वालिटी देखिए गाइस, एकदम मेटल की लग रही है पर प्लास्टिक की है, ये देखो। ओके, ये इसकी नॉब है, ये देखिए। ओके, सो गाइस ये है हमारे ऑन ऑफ बटन की ऊपर की बॉडी, ये देख सकते हो। सो गाइस फाइनली मैं आपको रिवील करने वाला हूँ सबसे क्यूटेस्ट और सबसे पावरफुल छोटा सा कॉम्पैक्ट एक क्लास डी का एम्पलीफायर बोर्ड, जो कि मेरा फेवरेट है। तो आइए देखते हैं। सो गाइस ये है वो क्लास डी का एम्पलीफायर बोर्ड, जिसकी अनबॉक्सिंग मैं बहुत दिनों से करने वाला था, करना चाहता था। देख सकते हो इस एम्पलीफायर का लुक, बहुत ही डिसेंट लुक है, बहुत ही क्यूट सा लुक है इस एम्पलीफायर बोर्ड का। और आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे सारे फीचर आपको देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा यह एक वूजी कंपनी का एम्पलीफायर बोर्ड, आप देख सकते हो यहाँ पे ब्रांडिंग है वूजी। ओके, सो गाइस देख सकते हो यहाँ पे एक ऑडियो इन के लिए आपको पोर्ट मिल जाएगा 3.5 mm का, और यहाँ पे एक पावर सप्लाई के लिए पोर्ट मिल जाएगा। इस बोर्ड में आप 12 वोल्ट से लेकर 24 वोल्ट की पावर सप्लाई दे सकते हो, 24 वोल्ट पे बहुत अच्छा आउटपुट निकलेगा। ओके, ये है इसका यूएसबी पोर्ट, आप इसको कंप्यूटर वगैरह में बहुत ही इजीली यूज कर सकते हो, डैक वगैरह बनाना है डैक की तरह भी आप यूज कर सकते हो। ओके, सो गाइस ये है इसकी 5.0 ब्लूटूथ आईसी, आप देख सकते हो 5.0, इसकी 15 मीटर रेंज होती है। तो ये है इसका क्यूट सा ऑन ऑफ बटन, और यहाँ पे कैपेसिटर वगैरह है जो कि एकदम जेन्युइन क्वालिटी के हैं, ओरिजिनल सारे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं इसके अंदर। और ये है इसकी मेन नॉब, ठीक है, जो कि मास्टर वॉल्यूम है, ये देखिए गाइस इसके ऊपर लगेगी हमारी वो नॉब जो मैंने आपको दिखाई थी। और बहुत ही कॉम्पैक्ट ये एम्पलीफायर होने वाला है, असेंबलिंग करने के बाद आपको पता लगेगा कि किस तरीके का इसका लुक है। ठीक है, ये देख सकते हो। अब गाइस यहाँ पे टर्मिनल्स दिए गए हैं, इसमें आप 100-100 वॉट के दो स्पीकर बहुत ही इजीली लगा सकते हो। ठीक है, इसमें आप 100-100 वॉट के दो स्पीकर बहुत ही इजीली चला सकते हो। ओके, चाहे 4 ओम के हो चाहे 8 ओम के हो, डिफरेंट पावर सप्लाई पे डिफरेंट आउटपुट निकलेगा, मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पे सब बताने वाला हूँ उस वीडियो में। पहले मैं कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर बात करना चाहूंगा अपने एम्पलीफायर बोर्ड की। तो आप देख रहे हो सामने अपने चार्ट, सो आप देख सकते हो स्क्रीन पे एक चार्ट लिखा हुआ है पावर सप्लाई वोल्टेज। तो 12 वोल्टेज पे 8 ओम के 20-20 वॉट के स्पीकर्स और 4 ओम के 40-40 वॉट के स्पीकर्स। ठीक है, 15 वोल्टेज पे 8 ओम के 35 वॉट के दो स्पीकर्स और 4 ओम पे 60-60 वॉट के दो स्पीकर्स। 19 वोल्टेज पे 8 ओम के 55+ वॉट के स्पीकर और 4 ओम पे 80-80 वॉट के दो स्पीकर्स। 24 वोल्ट पे 8 ओम के
70 वॉट के स्पीकर दो और चार ओम पे 100 वॉट के दो स्पीकर्स, ठीक है। तो ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन थी। अगर आप इस कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से चलोगे तो साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी मिल सकती है, आउटपुट बहुत अच्छा मिल सकता है। सीट सिंक के अंदर है हमारी मेन आईसी, तो आइए रिवील करते हैं उसको और देखते हैं अपनी आईसी। सो लेट्स गो। आईसी रिवील करने से पहले आप इसके बैक का लुक देख लीजिए, ठीक है। प्रॉपर लिखा हुआ है, इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है, ऑडियो आउट ऑडियो इन लेफ्ट राइट स्पीकर्स वगैरह पावर डीसी वगैरह सब यहाँ पे प्रॉपर लिखा हुआ है। अब इसकी आईसी रिवील करते हैं। सबसे पहले स्क्रू खोलना पड़ेगा हमें, और स्क्रू ओपन हो चुका है। और यह है इसकी हीट सिंक, और हीट सिंक बहुत ही ज़्यादा हैवी है। आईसी दिखाने में अलग ही मज़ा आता है। तो यह है इसकी आईसी, अभी मैं आपको थोड़ा क्लीन करके दिखाता हूँ। तो गाइस यह है इसकी मेन आईसी, आप देख सकते हो प्रॉपर तरीके से मैंने जूम कर दिया है। आपको वूजी कंपनी की यहाँ पे ब्रांडिंग भी दिख रही होगी और आईसी का मॉडल नंबर वगैरह भी सब कुछ दिख रहा होगा, ठीक है। एक आईसी जो है 50 वॉट के दो स्पीकर चलाएगी, मतलब एक आईसी से 100 वॉट का स्पीकर बहुत ही इजीली चल जाएगा, 100 वॉट का स्पीकर एक आईसी से, ठीक है। 16 पिन की ये आईसी है, दो आईसी लगी हुई है जो कि एक स्टीरियो एम्पलीफायर बोर्ड होने की निशानी है। एक 100 वॉट का स्पीकर चलाएगी, एक 100 वॉट का स्पीकर चलाएगी, राइट और लेफ्ट दो स्पीकर इसमें कनेक्ट होंगे, ओके। फाइनली हमने हीट सिंक वापस लगा दिया है, और जितने भी कंपोनेंट्स आप देख रहे हो सारे ओरिजिनल कंपोनेंट्स हैं, जेन्युइन कंपोनेंट्स वगैरह हैं, डायोड हो गए, कैपेसिटर वगैरह सब कुछ जेन्युइन है, और लुक बहुत प्यारा है। तो ये था इसका ऑल ओवर रिव्यू वगैरह। सो गाइस आइए फाइनली इसकी असेंबलिंग करते हैं, और असेंबलिंग करने के बाद ये आपको एक ऑडियो इंटरफेस की तरह दिखने लगेगा, जो कि स्टूडियो वगैरह में होता है ऑडियो इंटरफेस। मैं आपको दिखाऊंगा उसकी फोटो भी, ठीक है। तो लेट्स गो असेंबलिंग करते हैं। सो गाइस सबसे पहले लगाएंगे हम अपना लोअर पैनल, अब स्क्रू वगैरह लगाएंगे, अपने पिलर लगाएंगे। सो गाइस ये हैं इसके पिलर्स, इसको भी लगा देते हैं हम सारे चारों के चारों कुछ इस तरीके से। सो गाइस देख सकते हो लोअर पैनल हमने प्रॉपर तरीके से लगा दिया है, और चारों पिलर भी हमने खड़े कर दिए हैं, ठीक है, और प्रॉपर फिटिंग हो चुकी है यहाँ पे, ये देख सकते हो, ओके। तो अब इसका अपर पैनल लगाते हैं। फाइनली असेंबलिंग हो चुकी है, और हमेशा की तरह हमारा एक स्क्रू रह चुका है, ये देख सकते हो एक स्क्रू बची जाता है प्लास्टिक एम्पलीफायर बोर्ड में, एक्स्ट्रा मिलता है हमें, और ये है इसकी नॉब। तो फाइनली नॉब भी लगा देते हैं, और ये डन। सो गाइस अब देख सकते हो ये ऑडियो इंटरफेस की तरह लग रहा है, और ऑडियो इंटरफेस कुछ ऐसा दिखता है, तो आप देखिए, ओके, बहुत ही ज्यादा क्लोज लग रहे हैं ये दोनों, आप खुद देख सकते हो। सो गाइस ये इसका फाइनल लुक, और आप इसको एक डीजे की तरह इस तरीके से यूज कर सकते हो। ये इसकी नॉब है, इसके साथ आप खेल सकते हो इस तरीके से, और इसको कंप्यूटर टेबल में कंप्यूटर के साथ, कंप्यूटर के स्पीकर के साथ आप बहुत ही इजीली फिक्स कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो, और एक डीजे का मजा ले सकते हो, मिनी डीजे का, ओके। तो ये इसकी असेंबलिंग थी, आप देख सकते हो बहुत ही क्यूट सा लग रहा है अब ये एम्पलीफायर बोर्ड। ब्यूटीफुल मॉडल नंबर मैंने आपको बताया, जैसा कि ZK1002M वूजी ऑडियो इस पे लिखा हुआ है, आप खुद देख सकते हो वूजी ऑडियो। यूएसबी इन ऑक्स इन, ऑन ऑफ का बटन लगाना रह गया है तो ऑन ऑफ का बटन भी लगा देते हैं। ओके, सो गाइस ऑन ऑफ का बटन भी हमारा लग चुका है, आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से वर्क करेगा, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, ओके। ऑन ऑफ का बटन भी हमने फाइनली लगा दिया है। सो गाइस आप इसके सारे प्रिंट देख सकते हो, आप यूएसबी इन ऑक्स इन ऑन ऑफ बटन, ओके, मेन नॉब हमारा मास्टर वॉल्यूम, और इसको अगर मैं टर्न करूं तो यहां पे भी देख सकते हो ऑक्स आउट डीसी 24 वोल्ट इसमें यूज कर सकते हो, 24 वोल्ट पे बहुत अच्छा आउटपुट निकलेगा। और ये है इसका राइट और लेफ्ट स्पीकर कनेक्शन। तो ये गाइस फाइनली अपने क्यूटेस्ट एम्पलीफायर बोर्ड की टेस्टिंग करते हैं, जो कि ग्लास डी आईसी के अंदर बेस्ड है। सो लेट्स गो। आइए गाइस फाइनली अपने एम्पलीफायर का कनेक्शन करते हैं अपने स्पीकर्स में, और गाइस अगर मैं इसको एक निकनेम दूं तो इसका निकनेम रहेगा छोटा पैक बड़ा धमाका। अच्छा, क्योंकि साउंड क्वालिटी A1 है इस एम्पलीफायर बोर्ड की, और लुक वाइज भी बहुत ही क्यूट है ये, आप देख सकते हो एकदम कॉम्पैक्ट है। अगर आप कहीं पे भी इसको ले जाना चाहो, आपको बस एक 12 वोल्ट की बैटरी चाहिए, आप 24 वोल्ट की बैटरी भी अपने साथ कैरी कर सकते हो, और आराम से 100 प्लस 100 वॉट के दो स्पीकर यूज कर सकते हो, चाहे आप ट्रैवलिंग कर रहे हो चाहे कहीं जा रहे हो, तो बहुत ही इजीली आप इसको यूज कर सकते हो, आप इसको कार में भी लगा सकते हो, ओके। सो गाइस आइए फाइनली इसकी टेस्टिंग करते हैं और साउंड प्ले करते हैं। सो लेट्स गो। सो गाइस ये है हमारे 10 इंच के स्पीकर 100 वॉट्स में,
8 ओम में। सो गाइस इन्हीं का कनेक्शन करने वाले हैं हम अपने एम्पलीफायर बोर्ड में। सो ये कनेक्शन करते हैं और अपने एम्पलीफायर बोर्ड की पावर देखते हैं, ठीक है, साउंड क्वालिटी देखते हैं। सो लेट्स गो। ओके तो गाइस ये हमारे 200 वाट के स्पीकर्स 8 ओम के, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो 8 ओम यहाँ पे लिखा हुआ है, 8 ओम यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके 100 वाट के दो स्पीकर्स हैं ये, साइन कर रही है इसकी कौन। ओके तो गाइस कनेक्शन करने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और जितना हो सके उतना शेयर करना, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करना, ठीक है। सो आइए गाइस फाइनली टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं, कांट वेट, सो लेट्स गो। सो गाइस मैं कनेक्शन करने वाला हूँ। गाइस पोलैरिटी का हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप स्पीकर का कनेक्शन कर रहे हो तो मैं प्लस प्लस माइनस माइनस में रखने वाला हूँ ताकि साउंड कैंसिल ना हो। सो गाइस फाइनली हमारे स्पीकर का कनेक्शन हो चुका है, तो आइए फाइनली अपने पावर सप्लाई का कनेक्शन भी करते हैं। तो ये है वो डीसी कनेक्टर जो हमारे एम्पलीफायर बोर्ड के साथ आया है, तो इसी का कनेक्शन करते हैं अपने एडेप्टर के साथ। गाइस ये है वो एसी एडेप्टर जो जनरली मैं हर एम्पलीफायर की टेस्टिंग में यूज करता हूँ, जो कि है 19.5 वोल्टेज का 3.5 एम्पियर में। आप इस बोर्ड में 10 एम्पियर तक की पावर सप्लाई दे सकते हो 12 से 24 वोल्ट में। ओके तो आइए इनका कनेक्शन करते हैं और ये है इसके वायर्स। ओके सो लेट्स गो। सो गाइस कनेक्शन कर दिए हैं मैंने, प्लस प्लस और माइनस माइनस में कनेक्ट किया है। ओके तो अब पावर सप्लाई देते हैं अपने मेन एम्पलीफायर बोर्ड में। सो लेट्स गो। सो ये गाइस फाइनली पावर इनपुट देते हैं अपने क्लास डी एम्पलीफायर बोर्ड में और ये मैंने दे दिया है। अब इसको ऑन करते हैं, ये रहा हमारा ऑन ऑफ का बटन, ऑन हो चुका है गाइस। यहाँ पे देखते हैं कोई लाइट जली है या नहीं जली है, और यहाँ पे लाइट भी ऑन हो चुकी है जो कि ब्लिंक कर रही है, देख सकते हो, और लाइट भी ऑन हो चुकी है। अब वॉल्यूम एकदम कम कर देते हैं और इसका ब्लूटूथ कनेक्ट करते हैं अपने फोन के साथ। मैंने वॉल्यूम एकदम कम कर दिया है, अब ब्लूटूथ कनेक्ट करते हैं अपने फोन के साथ। सो गाइस ये है इसका ब्लूटूथ, आप देख सकते हो वूजी ऑडियो आ चुका है। अब क्लिक करते हैं यहाँ पे, पेयर करते हैं और यहाँ पे पेयर हो चुका है आप देख सकते हो, और कनेक्शन हो चुका है। और गाइस मैं आपको बता दूं, सो गाइस इस बोर्ड में आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है, बस एक मोड का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। मोड जो है ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है, अगर आप इसमें पेन ड्राइव लगाओगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा वो, ऑक्सीजन लगाओगे तो वो भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ओके गाइस फाइनली साउंड प्ले करते हैं, पावर सप्लाई दे दी हमने। A few moments later. So guys, वीडियो को एंड तक देखना, बाद में मैं इसका प्राइस बताऊंगा, कहां से बाय कर सकते हो ये भी बताऊंगा, ठीक है। टेस्टिंग बहुत ज्यादा फाड़ू होने वाली है। ओके सो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। ये गाइस फाइनली साउंड प्ले करते हैं। ओके गाइस मैंने वॉल्यूम कम कर रखा है, वॉल्यूम थोड़ा अप करता हूं। सो गाइस बीट्स एकदम क्लियर आ रही है, चाहे वो किक हो, चाहे स्नेयर हो, चाहे हाई हैट्स हो, बहुत ही बढ़िया साउंड आ रहा है इस बोर्ड का, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। सो गाइस साउंड एकदम फुल कर रखा है मैंने एम्पलीफायर से। अब मैं आपके सामने आने वाला हूँ कैमरे के पीछे। ओके तो अब मैं साउंड प्ले करके दिखाऊंगा, अपने एक्सप्रेशन दिखाऊंगा आपको कि साउंड कितना बेटर आ रहा है, प्रॉपर तरीके से बताऊंगा। सो गाइस साउंड प्ले करते हैं, अब साउंड क्वालिटी A1 आ रही है, एकदम क्लियर फ्रीक्वेंसी आ रही है, जितने भी हाई हो, लो हो, मिड हो, सारी फ्रीक्वेंसी एकदम क्लियर आ रही है। सो गाइस ऑल ओवर जो साउंड है मेरे को तो बहुत ऑसम लगा। आप इसको बाय जरूर करना, बाय वगैरह कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ लास्ट में। ओके अगर गाइस अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हो एंड तक, तो एक बार कमेंट में हाई कर देना, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा आप लोगों का। ओके एक बार हाई कर देना बस, मैं रिप्लाई ऑफ कोर्स करूंगा आप लोगों का। तो मैं आपको सामने से तो मैंने सामने से टेस्टिंग दिखा दिया प्रॉपर तरीके से, अपना एक्सपीरियंस बता दिया आप लोगों को, साउंड क्वालिटी A1 है। तो साउंड बिल्कुल ही कम कर देता हूं मैं, तो साउंड एकदम मैंने कम कर दिया है। सो गाइस ये इसकी ऑल ओवर टेस्टिंग थी, ऑडियो क्वालिटी A1 है इसकी। अब मैं आपके सामने आता हूं। ओके लेट्स गो।
ये था प्रॉपर ऑडियो टेस्ट, होप आपको पसंद आया होगा, 1002M का, ठीक है, बहुत ही क्यूटेस्ट ये एम्पलीफायर बोर्ड था, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा ये, मेरा फेवरेट एम्पलीफायर बोर्ड है ये, तो होप आपको भी पसंद आई होगी इसकी टेस्टिंग रिव्यू वगैरह। सो गाइस अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको बाय करना है तो कहाँ से बाय करो ये भी मैं आपको बताता हूँ प्रॉपर तरीके से। सो गाइस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, नंबर मिल जाएगा, कैटलॉग वगैरह का सब कुछ मिल जाएगा, तो आप वहां से जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वहां से ऑर्डर कर सकते हो, बाय कर सकते हो, और कहीं पे भी ऑल ओवर इंडिया आप मंगा सकते हो इस एम्पलीफायर बोर्ड को। और गाइस इसका जो प्राइस है वो आपको 1000 से लेके 1300 रुपए के अंडर में मिल जाएगा, 1000 to 1300 रुपीज, इससे ज्यादा महंगा नहीं मिलेगा। 100+100 वॉट के दो स्पीकर इसे चला सकते हैं हम बहुत ही इजीली। ओके सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास डी एम्पलीफायर बोर्ड के साथ। सो लेट्स गो, सब्सक्राइब कर दो ब्रो।